वार्ड पार्षद पद से खड़ा हुआ हूँ, वार्ड संख्या 6 से मेरा मोर छाप है। क्या सोच के आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम जनता का विकास करेंगे और सबके साथ रहेंगे। क्या विकास करेंगे जनता का? जैसे में रोड नाला और वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास और सब स्वार्थ रूप से काम करने का विकल्प दिया हूँ। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हम पढ़ाई किए, इंटर करके इसके बाद अपना धंधा बिजनेस में थे। कोरोना काल में आपने कुछ समाज के लिए किए थे? कोरोना काल में हम बहुत सारे काम किए, जो कि जैसे में लोग जहाँ तक फंसते थे, हमारे पास गाड़ी है, उनको लाके जगह तक पहुँचाते थे और भी काम करते थे। जैसे किसी को कुछ हो गया तो डॉक्टर को भी बुला के सलाह लेके उनका। आप अपने वार्ड में जब घूमे हैं पूरे वार्ड, तो क्या क्या कमी दिखा जो कि एकदम जरूरी है? जरूरी है, जैसे नाला नहीं है अभी, उधर रोड नहीं है, बहुत सारा काम अभी बाधित है। यहाँ जो हमारे वार्ड भी बने तो वो मेरा वार्ड का काम अभी तक भी फंसा हुआ ही है। कहने में तो बताते हैं कि ये वार्ड बहुत ही आगे हैं, कार्य में भी पूरे बौसी में आगे हैं, आप कैसे करते हैं? सभी कागज पे काम करवा के इसके बाद सब, मतलब कि जो है धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। पानी की क्या समस्या है आपके वार्ड में? पानी की समस्या अभी तक ठीक है, पानी दिन भर में 3 बार पानी देते हैं, पानी का अभी ठीक ठाक है। पानी है? हाँ पानी दिया, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और आगे क्या सोच के आप? सोच यही है मेरा, अगर हम बन जाएंगे तो यहाँ का जनता को हर समय खुशी रखेंगे हम, कोई का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, हर काम करते रहेंगे, जो भी बाधित काम फंसा हुआ है वो हम करेंगे, हम संकल्प लिए हैं और संकल्प ही नहीं लिए करके दिखाएंगे। MM न्यूज़ के माध्यम से आप अपने मतदाता वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करते हैं कि पहले हमको आप लोग साथ दीजिए, हमको जिताइए, इसके बाद हम जो विकल्प लिए हैं, संकल्प लिए हैं, वो करके दिखाएंगे। एक बार आप परिचय फिर से दें अपना। मेरा नाम मनीष कुमार है, 6 नंबर वार्ड से हम वार्ड पार्षद पद से लड़े हैं, हमारा मोर छाप है। मेरा नाम मनोज सिंह चंद्रवंशी है। आप निवेदक हैं? हाँ, हम निवेदक हैं, और निवेदक ही नहीं है, चुनाव तो मतलब हम लड़ ही रहे थे 2001 से ही, मान के चलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिस समय मेरा उम्र मैक्सिमम 21 से 22 साल था, और उसी समय से हमको ये जुनून सवार है कि हम जनता का विकास करें। अगर जनता हमको विकास करने का मौका देती है तो निश्चित रूप से निस्वार्थ हम विकास करने का काम करेंगे। और 21 से 22 साल की उम्र में हम जब 2001 में पंचायत चुनाव जो 20 साल के बाद हुआ, उसमें हम वार्ड सदस्य का चुनाव लड़े। बहुत खुशी का बात है कि 21 साल के उम्र में 11 नंबर वार्ड में 3 गांव है प्रमुख रूप से, जैसे ब्रह्मपुर है, बिशनपुर है और डिग्री पहाड़ी है, जो आदिवासी का गांव है। जब हम चुनाव लड़े तो प्रतिद्वंदी तो होता ही है, उस समय भी हुआ था, और जिस समय हम चुनाव लड़े थे उस समय मेरा उम्र 21 साल था, और जो प्रतिद्वंदी बिल्कुल युवा थे, यानी कि मान के चलिए अगर हमको कोई सिखाने वाला भी नहीं था, ना ही कोई मेरा मास्टर था, ना कोई मेरा गाइडलाइन देने वाला था, और हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं। इस स्थिति में पढ़ाई हम किसी तरह किए, इंटर किए, अचानक हमारे दिमाग में आ गया हमारा समाज का जो स्थिति था उस समय। आप जो अभी जिस रोड से आए, यहाँ हमारा गांव का भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उस रोड
का स्थिति जो था पहले बहुत स्थिति खराब था, कुछ सुधार किए। उस समय पैसा इतना सरकार के पास तो था नहीं, फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद कुछ स्थिति में लाए। लाने के बाद 5 साल जब हम पूरा किए, 5 साल के बाद जो है हमारा वार्ड रिजर्व हो गया, यानी सीट रिजर्व हो गया। सीट जब रिजर्व हो गया तो हम पंचायत समिति का चुनाव लड़ना शुरू कर दिए। पंचायत समिति का जब चुनाव लड़ना शुरू किए तो हम यही देखे, जिस तरह वार्ड में हमको लोग जिताया, यानी कि मतदाता हमको वोट दिया, हमारा समाज के बड़े बूढ़े बुजुर्ग महिला जो भी थे युवा, तो हमको उसी जुनून से वोट देते रहा और आज तक देते रहा है। बहुत कम अंतर से हम पंचायत समिति में चुनाव हारे, बहुत कम, यहाँ तक कि 40 वोट से हारे। चुनाव हारने के बाद क्या जनता से आप मिलते थे? मिलते रहे, इसलिए तो आप 3-5 वर्षीय हम चुनाव लड़े और हमारा वोट का परसेंटेज बढ़ते रहा और घटा नहीं। अगला जो पंचायत समिति का चुनाव हुआ था, इस बार तो मेरे पंचायत में चुनाव हुआ नहीं चूंकि एक नगर पंचायत में चला गया, तो अगला बार इस 11 नंबर वार्ड में, जो पूर्व का वार्ड संख्या था 11 नंबर, अभी तो वार्ड पार्षद मतलब नगर निगम में जो आया तो इसमें 6 नंबर वार्ड हो गया। तो उस समय हमको यहाँ इस 3 गांव का समर्थन में, जिसमें 350 पोल हमको अगला बार भी इस वार्ड में मिला था। और जो नया वार्ड हमारे साथ सटा, वार्ड नंबर 12 पहले था जिसका नाम बरमनिया है, वहाँ हमको 98 पोल मिला था। इसलिए हम बहुत खुशी हैं और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं सभी जनता से, और उम्मीद करते नहीं हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और हमको ये पूर्ण रूप से विश्वास है, न हम कोई भी कोई जातिवाद किए हैं, न हम किसी गांव के साथ अभी तक कोई फर्क किए हैं। हमको आशा है कि जनता हमको निश्चित समर्थन देगी। और अगर जयंत में आपका पूरा मछली चावल का चर्चा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आप जब मेरा 6 नंबर वार्ड का किसी भी, यानी 4 गांव के अंदर किसी भी मतदाता से आप पूछ सकते हैं, हम कहीं किसी को एक पुड़िया भी आज तक न खिलाए हैं। और अगर आप ऐसा बात करते हैं तो आज 20 वर्ष पूर्व का भी हम इतिहास दे सकते हैं, गवाह दे सकते हैं। उस समय भी वार्ड में भी हम निस्वार्थ चुनाव को मतलब जिताया था जनता, ऐसा कहीं कोई। जनता आपके साथ क्यों घूमेगा? जनता हमारे साथ इसलिए घूमता है कि लोग देखिए, चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये पंचायत चुनाव है, या फिर नगर पंचायत का ये, या फिर ग्राम पंचायत का ये, चुनाव पंचायत की है। आप सरकार कोई हो, चाहे कितनी अच्छा हो या कितना खराब हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आज के डेट में अगर जनता अपना सरकार पंचायत में नहीं बनाती है तो निश्चित रूप से जनता का विकास नहीं हो पाएगा, ये तो फाइनल है। क्योंकि आज के डेट में सब लोग एक रंग का है नहीं, और हम आज नहीं, 5 साल जो वार्ड थे उस समय भी हम किसी से 10 रुपया का डिमांड न किए हैं और न भविष्य में करेंगे। ये मेला ध्रुव सत्य है, ये हम कभी नहीं करेंगे। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव के बाद सभी लोग मुकर जाते हैं। सही बात है, आपका ये बात कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसमें से हम नहीं आते, ऐसा हम कुछ ना सोचे हैं ना किए हैं। हम 5 साल रह भी चुके हैं, ना मेरा कहीं कोई शिकायत है। जो हकदार होते हैं ना ही उसे राशन कार्ड मिलता है, ना ही वृद्धा पेंशन मिलता है, यहाँ तक कि आवास, प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिल पाता है। ये तो देखिए, ये अब ब्लॉक का जो छोटा छोटा दलाल है और जो पंचायत में चुनाव जीत करके जैसे वार्ड सदस्य हुए, अब हम आपको बता सकते हैं ये बात खुल करके हम बोल सकते हैं कि जो बार बार चुनाव लड़ रहा है और एक एक वोट को कैसे लिया जाता है जनता से, ये जिस प्रतिनिधि को पता नहीं है वो ऐसा करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन हम तो आज 20 साल से लड़ रहे हैं, मात्र 5 साल वार्ड सदस्य रह पाए, उसके बाद मेरा वार्ड सुरक्षित हो गया और हमको ये लालसा रह गया कि हम जनता का विकास करते और ढंग से करते। क्या लगता है आपका कैंडिडेट अगर जीतता है तो भ्रष्टाचार मुक्त? देखिए, मेरा कैंडिडेट को अगर मतलब वार्ड 6 से ये चारों गांव जो है, ब्रह्मपुर, बिशनपुर, डिग्री पहाड़ी और ब्रह्मणिया, कितने गांव आते हैं? 4, ब्रह्मपुर, बिशनपुर,
डिग्री पहाड़ी आदिवासी गांव है और ब्रह्मनिया, चार गांव आता है और हमारे पास कम से कम 10 से मतलब 11 कौम का वोट है यहाँ। और ये सभी लोग अगर हमारे कैंडिडेट को समर्थन देता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को मुक्त करा देंगे। ये मेरा एकदम समझिए कि मान के चलिए अभी हम क्या कह सकते हैं, हमारे वार्ड में क्या हुआ है ये हम बोलना नहीं चाहते हैं, अगर आप कहिएगा तो हम बता देंगे। आपके वार्ड में जो बोलना नहीं चाहते। हाँ, ये बात आप सही प्रश्न किए। देखिए, हमारे गांव में कुछ ऐसा भी लोग है जिसके मुंह में बोली नहीं है, बेचारा गरीब है, वैसे लोगों का विकास अभी भी बाधित है। हमारे गांव में अभी भी बहुत ऐसा है जो हम प्रूफ कर सकते हैं, जो राशन कार्ड उसका काट दिया गया है, कुछ के परिवार में अगर 10 सदस्य है तो उसको दो ही का राशन मिल रहा है। ये सब बहुत बड़ा मतलब भाई, गरीब है या अमीर है? गरीब है, बिल्कुल गरीब। हाँ, बिल्कुल गरीब है। मेरा ये कहना नहीं है कि आप नहीं कीजिए, सबका कीजिए, लेकिन ये ध्यान में रखिए उस समय जो भी पदाधिकारी थे या जो प्रतिनिधि थे वो ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण ये हमारे समाज को मतलब हमारे वार्ड 6 का जो पूरा गांव है 4, इसमें बहुतों का इस संकट का मतलब बहुत आदमी को ये संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो कि उसके घर में 10 और 8 परिवार है और उसको राशन कार्ड में दो ही का नाम है, कहीं एक ही का है। आप तमाम मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तमाम मतदाता से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहेंगे, बिल्कुल झुक कर, कि आप एक बार हमको मदद कीजिए। मदद करने के बाद जो भी ये संकट है हमारे सामने, इसको हम जरूर दूर करेंगे, यही मेरा संकल्प है। मेरा नाम कैलाश सिंह है। कितने नंबर वार्ड? वो 6 नंबर की बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ का जो वार्ड था ये 2 किलोमीटर यही करवा के काम करवा के जो भीतर में सब रखा है, नाला सब जाम रखा है, न पैसा ये काम करता है न कुछ करवाता है, हम लोगों को इतना बोर करके रखा है, देखिए गति मेरा, हम लोगों के घर में ही पानी रहता है। ये वार्ड आज तक कोई काम नहीं करवाया, हल्का फुल्का जहाँ जहाँ दूर दूर में जहाँ उसको लाभांवित मिलता था वहाँ जाके वो काम करवा दिया। कितना उम्र होता होगा आपका? विधवा पेंशन है हमरा मिले छे। Thank you.